हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टैली के एक खास फीचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझिए होता क्या है। जैसे आप कहीं किसी फॉर्म में काम करते हैं और वहां पर जो वहां के ओनर है वो आपसे कहते हैं कि मुझे डिटेल दे दीजिए कि क्या क्या परचेस किया गया है, ठीक है, कंपनी में क्या क्या परचेज हुआ है वो सारी डिटेल हमें दे दीजिए, यानी परचेज की पूरी डिटेल हमें दीजिए। तो डिटेल कहां से निकालेंगे? डिटेल निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली पर हूं, यहां से वी प्रेस कर देता हूं, गेटवे ऑफ टैली पर हूं, यहां से मैं डी प्रेस कर देता हूं, और डी प्रेस करने के बाद यहां पर अकाउंट बुक्स में जाना है तो ए प्रेस कर देता हूं, ये आ गया अकाउंट बुक में, ठीक है। अब यहां से उन्होंने मांगा है परचेज का डिटेल, ठीक है, तो परचेज का जो भी डिटेल है वो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, परचेज रजिस्टर, ठीक है। तो ये परचेज रजिस्टर में आप आ जाइए और परचेज रजिस्टर में जैसे ही आप आएंगे तो यहां पर आपको ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर ये पूरी डिटेल आ रही है। अब यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं, लाइक ये देखिए, अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये इस तरीके से आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर पूरी डिटेल शो नहीं हो रही है, जैसे ये नहीं पता चल रहा है कि कितना अमाउंट, क्या अमाउंट वाइज कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की है F8, F8 प्रेस करनी होगी, और जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो ये डिटेल ओपन हो जाएगी, कंपनी दुर्गा फार्मा फॉर परचेज, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए वो उस पे आप यस कर दीजिए। लाइक इसको मैंने यस कर दिया, लाइक यहां पर यस कर देता हूं, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए उसमें जाकर के आप यस प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे पैन नंबर चाहिए तो इसके लिए। अब वो कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है, वो कॉलम्स बन जाएंगे और आप अपने बॉस को दे सकते हैं, जो भी आपके बॉस हो उनको आप दे सकते हैं और दिखा सकते हैं, इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये देखिए यहां पर आता हूं और यहां पे वाई प्रेस कर देता हूं और ये जो भी आपको डिटेल चाहिए वो सारी डिटेल यहां पे दे दीजिए, ठीक है। अब यहां पे जाकर के कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं मैं, तो यहां पे देख सकते हैं कि ये पूरी डिटेल आपके सामने है, ये देख लीजिए, और इसी को आपको प्रिंट करके दे देना है। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसका प्रीव्यू मैं दिखा देता हूं, आई बटन प्रेस करिए, प्रीव्यू आपको दिखेगा। तो यहां पे इसे जूम करके मैं दिखाता हूं, ये देखिए ये प्रीव्यू है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जैसे ये एक पेज में पूरा डिटेल आया नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक पेज का डिटेल नहीं है, इसमें और भी पेजेस लगे हैं। तो यहां से आपको क्लिक करना होगा और यहां पर ये सब कॉलम्स जो है फालतू में बन गए हैं। देखिए ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट तो है नहीं, टर्म, पेमेंट, डिलीवरी, अदर रेफरेंस और ये सब चीजें तो लिखी नहीं हुई है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पे एड्रेस भी प्रिंट नहीं किया गया है, तो एड्रेस नहीं प्रिंटेड है तो आप इसे हटा सकते हैं, इस कॉलम को कोई जरूरत नहीं है इस कॉलम की, तो आप इसे हटा दीजिए। तो यहां पर इसे हटाएंगे कैसे, एक पेज में प्रिंट करके देना, और यहाँ पे ये भी डिटेल आनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि कई पेजेस में, दो तीन पेज में ये आ रहा है, चार पेज में, बल्कि यहां पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 1D, यानी कुल मिला के चार पेजेस प्रिंट हो रहे हैं। तो इसको सेट कैसे किया जाए, प्रॉब्लम ये है। तो सेट करने के लिए आपको करना क्या है, वापिस से F8 प्रेस करना है कीबोर्ड से, और F8 प्रेस करने के बाद पार्टी का एड्रेस तो हमें देना नहीं है, तो इसको अभी ऑफ कर देते हैं। वाउचर टाइप से कोई मतलब नहीं, वाउचर नंबर से कोई मतलब नहीं, सप्लायर का इनवॉइस नंबर तो आ ही रहा है, ठीक है। और यहां पर एडिशनल कॉस्ट वाला कॉलम अभी यस रखते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर मैं जाता हूं, लाइक आप देख सकते हैं ये, तो यहाँ पर ये डिटेल तो आ गई है हमारी, लेकिन अब इसका हम प्रिंट देखते हैं। तो यहां से अल्ट पी प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां से प्रीव्यू करता हूं इसको, तो अभी भी देखिए ये एक पेज हुआ और ये दूसरा पेज हो गया और ये तीसरा पेज, ये तीन पेज में ले रहा है, चौथा पेज तो खैर यहाँ पे नहीं है, लेकिन तीन पेज में अभी भी ये आ रहा है। तो अभी क्या करना है, यहां पे देखिए डिस्पैच थ्रू, ये देख सकते हैं ये डिस्पैच थ्रू और डेस्टिनेशन, और यहां पर एक खाली कॉलम है, और आप इधर भी जाकर के देख सकते हैं अगर कोई खाली कॉलम है, लाइक टर्म्स ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंसेस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, रिसिप्ट नोट नंबर और वगैरह वगैरह, ये रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, तो ये सब खाली पड़ा हुआ है, तो इन सबको आप ऑफ कर दीजिए। तो यहां से F8 प्रेस कर लेता हूं और उन कॉलम्स को आप ऑफ कर दीजिए जो फालतू के हैं, जिनकी हमें अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं, ठीक है।
तो यहां पर देख सकते हैं पैन नंबर की अभी कोई जरूरत नहीं, यहां पे वाउचर नरेशन नरेशन की भी अभी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ऑर्डर डिटेल अगर इसको यस रखते हैं, चलिए इसको यस रख लेते हैं, और ये डिस्पैच डिटेल इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें। और यहां पे एडिशनल कॉस्ट में तो कुछ आया ही नहीं था, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता। और ये यहां पर डेबिट क्रेडिट, चलिए अभी देखते हैं अभी क्या होता है, इसको सेव करते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके, और यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं और देखते हैं क्या फर्क आया हुआ है। और यहां पर आते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर ये इस तरीके से आ रहा है, और यहां पर अभी भी ये दो पेज में आ रहा है, तीन पेज पहले था अब ये दो पेज में हो चुका है, ये देख सकते हैं ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। तो हमें ये चाहिए कि ये एक ही पेज में आ जाए। तो अभी टर्म ऑफ पेमेंट अदर रेफरेंसेस टर्म्स ऑफ डिलीवरी इन सब को ऑफ कर देना है, तो चलिए कर देते हैं। यहां से F8 प्रेस कर लेते हैं और यहां पे चल करके ये देखिए वाउचर टाइप, ये वाउचर टाइप का कोई मतलब ही नहीं है, इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और यहां पर ये डेबिट क्रेडिट इसको भी ऑफ कर देता हूं, नरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, नरेशन को ऑफ करता हूं। अब आप इसको कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, अब देखते हैं कि ये कितने पेज में आ रहा है। तो यहां पे ये है, अब इसको प्रिंट देते हैं, अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहां से आई बटन प्रेस करके इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए ऑर्डर डेट नंबर वगैरह वगैरह ये अभी भी दो पेज में आ रहा है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए वापिस चलते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑफ करने लायक है। तो कॉलम पे चल करके यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं ये वाउचर टाइप बार बार यस हो जा रहा है, इसको नो रखना है। और यहां पे सप्लायर का नेम ये सब तो चाहिए ही चाहिए, बाकी ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डिटेल की अभी कोई जरूरत नहीं तो ये नो कर देते हैं, और बाकी और कुछ तो हमें दिख नहीं रहा तो यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, अब यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं और आई बटन प्रेस करता हूं, तो आप देख पाएंगे कि ये पूरा ही डिटेल एक पेज में प्रिंट हो गया है। अब अपने बॉस को ले जाकर के आप इसे दे सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, परचेज की पूरी डिटेल इसमें आ गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो खाली अप्रैल की डिटेल है, बॉस ये कह रहे हैं कि पूरा डिटेल दीजिए अब तक का, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है, खुल जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर। तो 1/4/2020 से 30/4/2020 तक की ही डिटेल है, ठीक है। आज कितना तारीख है, 5/7/2021, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं 5/7/2021। तो 1/7/2021 तक का डिटेल उनको चाहिए, तो यहां पर मैं आता हूं 1/7/2021 कर देता हूं और यहां पर एंटर प्रेस कर देता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं कि 1/7/2021 तक का पूरा डिटेल आ गया है। अब अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहां से ये प्रीव्यू करके और इनको दे दीजिए पूरा रिपोर्ट की लीजिए। अब ये पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है, आपको मन करे तो पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ ये प्रिंट करके और अपने बॉस को दे सकते हैं, इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा और आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।